अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों आज की बड़ी खबर तलबा व तालिबात के लिए आ गई है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस देखिए वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस के अंदर तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं होंगे और क्या होगा, तमाम तर तफसीलात के लिए आखिर तक देखिए और जानिए। इसी के बारे में वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी 13 जनवरी को वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस थी जो कि मुलतवी हो गई थी। उसके बाद हमने आपको बताया था कि वो मुलतवी हो गई। उसके बाद ऐलान किया गया था कि आपका जो मीटिंग है वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस वो इसी हफ्ते के अंदर की जाएगी। तो अब ऑफिशियली यहाँ पर ऐलान आ चुका है कि जो आपकी वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस 13 जनवरी को मुलतवी हुई थी, अब वो जो वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस है तमाम सूबों के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा हेल्थ का जो अमला है, इसके अलावा एनसीयूसी का अमला भी इस मीटिंग के अंदर शरीक होगा। और ये जो आपकी मीटिंग है ये 17 जनवरी को कंडक्ट की जाएगी। 17 जनवरी को अब ये आपकी वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस होगी और इसके अंदर जो आपकी तालीमी इदारों की जो हालिया सूरत हाल है, करोना वायरस का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो बढ़ते हुए केसेस जो आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर बहुत ज़्यादा रेशियो आ रहा है, और उसके बारे से डिस्कस किया जाएगा कि क्या ऐसी सूरत हाल आ गई है कि हमें तालीमी इदारे बंद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या और कोई जो स्ट्रेटजी है वो अपनाई जाए तालीमी इदारे तालीमी इदारों के हवाले से। इसके अलावा आपका नया जो एकेडमिक साल है उसके हवाले से भी फैसला किया जाएगा और इसके अंदर जो महकमा सेहत जो है वो रिपोर्ट पेश करेगा कि शराह क्या है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और वो भी सजेशन देगा वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस को, और फाइनल फैसला एनसीयूसी की मंजूरी के बाद होगा। तो जैसे ही मीटिंग होती है उसके वजह से मज़ीद अपडेट आते हैं तो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर फेसबुक पर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।